शांति। आज 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है, अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियां, शिव वंशी तो सारी दुनिया है, अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो, वहां तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सत्युग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वे समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नरक तरफ मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे, यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ाते हैं, कोई मांस छोड़ाते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान,
क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है, बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता, वहां दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है, साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते। बहुत बच्चे बाप से रूठकर कहते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा अर्थात शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप के, छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं कोई दिल में आस रख कर। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है, पारलौकिक माशूक का जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं, सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। यह तो है ही दुख धाम, इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबर वार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए, क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं, वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं होते। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटाएं तुमको हैं। राज ऋषि तुम हो, ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे, वह फट से बनते हैं क्योंकि घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए।
बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके, नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित की मिसाल, ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किया है, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए, तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान उवाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर वन सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह मृत्यु रोग है। जब से मोहब्बत हुई है इसका यह मतलब नहीं पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, शिव या श्री कृष्ण। वह है रचियता, वह है रचना, तो जरूर रचिता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान उवाच कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है वाया गति, यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी, यह भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है।
किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देता है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति।